इसे इंग्लिश में कैसे कहें? आपको कल यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको मेरे गांव में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको उससे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बनाने के नियम: डू प्लस यू प्लस हैव प्लस एनी प्रॉब्लम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। आपको कल यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम कमिंग हियर टुमोरो? उसके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम लिविंग विथ हिम? आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन वॉकिंग? आपको मेरे गांव में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम लिविंग इन माई विलेज? आपको उससे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम मीटिंग हिम? अब आप इसे खुद बनाएं। आपको दूध पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको कल मुझसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पेड़ पर चढ़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना?